हिंदू तो रात में हमारे यूट्यूब चैनल को। तो यार गाइस मैं आऊँगा आज मेडिकल कॉलेज और यार मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियो शूट कर लूँ। तो मेरी लाडो है, अरे लाडो है तो हाय गाइस इसी को गाइस हाँ हाय गाइस तो मेरी लाडो है। अभी हम लोग दवा कराने आए हाय बोले आप लोग हाय बोले और टिकट का जो हम लोग टिकट का बात करें वो वाला है काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाए मैं बाइक कभी सब लोग खाने की कोशिश करूँगा और यार मेरी लाडो आप लोग से बाय कर रही है। तो अभी हम लोग और दिखाते हैं कैंपस पूरा दिखाएंगे और वीडियो से कल आगे का वीडियो हम शूट करेंगे। तो वीडियो पसंद लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो ना गाइस ये है टिकट काउंटर हॉल और देख सकते हो बहुत ही साफ और बहुत ही स्वच्छ टिकट काउंटर है। तो गाइस देख सकते काफ़ी ज़्यादा फन में और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग लाइन लगता है और आकर के आप लोग टिकट कटाइए और ₹1 लगता है टिकट का और काउंटर जो हॉल है काफ़ी अच्छा है टिकट काउंटर। तो वीडियो में बने रहें। ये है नेहरू जो चिकित्सालय है उससे बाहर से कुछ कैंपस का नज़ारा हम दिखाने की आप लोग की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कैंपस की ऐसी कुछ खूबसूरत नज़ारे हैं और साफ सुथरा गाइस ना बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग यहां से सीधे से आप आइएगा और नेहरू चिकित्सालय में एंट्री कर सकते हैं। बस यहां पर ये जो आप देख रहे हैं लगा हुआ है बांस ये लगा हुआ है ताकि जो बाइक जो गाड़ी है वो अंदर ना आए। इधर देख सकते हैं नेहरू चिकित्सालय ऊपर लिखा गया है और इसका कुछ नज़ारा आप लोग को बिल्डिंग का दिखा दे रहे हैं। अच्छा है बट अंदर का डायरेक्शन जो नहीं दिया जा रहा है उसी का थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि सबसे पूछने पर बता नहीं रहे हैं ऐसे कि कैसे जाना कहाँ जाना है बट डायरेक्शन सही से दिया नहीं गया है। इसका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है बट हो सकता है कि अब सही हो जाए। मैं इस हॉस्पिटल में 10 साल बाद आया हूँ गाइस। ये देख सकते हैं इधर ये इमरजेंसी आईसीयू और इधर देख सकते हैं यूजर चार्जेस जो मैं 10 साल बाद या 10 साल पहले मैं आया था यहाँ पर तो यहाँ पर टिकट करता था बट अब यहाँ पर नहीं करता है और जो टिकट होता है वो आप बाहर ही करता है। आप लोग सीधे मेन गेट से आएंगे तो थोड़ा सा 100 कदम जाएंगे तो उसके बाद राइट में आप लोग को टिकट काउंटर भी देखने को मिल जाएगा और इधर आईसीयू जो कि इमरजेंसी के लिए। और गाइस कैंपस जो अंदर का नज़ारा है आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रहा है। आप अगर जो आप लोग आ रहे हैं मेडिकल तो काफ़ी सवेरे आने की कोशिश करिए टिकट में जहाँ करता हूँ वहाँ पर भी। और इधर आईपी या रेडियोलॉजी मेडिसिन है जो कि गाइस OPD 4 भी इधर ही है। अगर जो आप OPD 4 में आप लोग को कभी आने को मिला OPD 4 भी में तो आप लोग आइएगा तो सीधे आप इसी रास्ते जाइएगा और जाकर के आगे आपको एक टोकन मिलेगा और टोकन लेने के बाद आप लोग को फिर अंदर जाने दिया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर जो आपको परेशानी होगी प्रॉब्लम होगी आपको वहाँ पर बताइएगा। तो इधर देख सकते हैं ऐसा नज़ारा है। बस आशा करते हैं कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। और इधर वार्ड नंबर 14 और 15 है। आप सीधे अंदर इन करेंगे तो वार्ड नंबर 14 और 15 में सीधे चले जाएंगे। सीधे ही आप जाइएगा इधर बच्चों के लिए इलाज होता है अगर जो आप भटकिएगा मत। और इधर आप लोग कैंपस का कुछ नज़ारा हम आपको बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी साफ़ सफाई नगाइज बहुत ही खूबसूरत है। साफ़ सफाई हमेशा होता रहता है और कभी भी मतलब धूल जो कचरा रहता है उसे हमेशा जो सफाईकर्मी रहते हैं वो सब हमेशा साफ़ करते रहते हैं और कैंपस काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी साफ़ सफाई पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इधर आप फायर का जो देख रहे हैं नीचे में रेड का फायर है और उधर आप लोग देख रहे हैं नेहरू चिकित्सालय और गाइस ये नेहरू चिकित्सालय का बिल्डिंग सामने आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है गाइस। हम 10 साल बाद अब आए हैं इस जो BID मेडिकल कॉलेज है 10 साल बाद आए हैं इस कैंपस में कि काफ़ी मुझे मैं बहुत छोटा था तो तब आया था पापा के साथ बट 10 साल बाद फिर मैं आया हूँ दवा कराने बट मैं नहीं किसी और के साथ आया हूँ किसी का दवा कराने तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए कुछ। तो भाई साहब ये मेडिकल कॉलेज का कैंपस जो कि मैं बैक में आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो भाई साहब यहाँ सब कुछ तो बाकी बहुत बढ़िया है यानी क्या देखा जाए तो यहाँ का कैंपस बहुत ही अच्छा है बट जो कहते हैं ना डायरेक्शन हाँ जो जहाँ जिस डायरेक्शन में जाना है उसका लोकेशन सही दिया नहीं गया है। अस्पताल में आप जाएंगे उधर वाले में नेहरू चिकित्सालय जो वहाँ पर है उसमें जाएंगे तो वहाँ पर डायरेक्शन भी बट बहुत ख़राब है क्योंकि सही से डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि आपको OPD में जाना है या कहाँ पर जाना है। इसका डायरेक्शन में हमें थोड़ा सा कमी लगा BID मेडिकल कॉलेज में बट बाकी सब कुछ सही है। सफाई की बात किया जाए तो सफाई भी बहुत ही अच्छा है। बस हम हमेशा कहेंगे डायरेक्शन जो होता है वही डायरेक्शन नहीं मिला है कि आपको किसे OPD नंबर कितना है और कहाँ 4 नंबर कितना है तो इसीलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि जो अभी भी काफ़ी पेशेंट है जो कि भटक रहे हैं कि कहाँ किधर जाना है बार बार किसी से पूछने पर सही डायरेक्शन भी नहीं बता रहे हैं। तो यही कुछ है बट कोशिश करते हैं कभी और आप लोग को कुछ दिखाते हैं। तो वीडियो में वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए चैनल पर तो सब्सक्राइब इसके प्रेस कर लीजिए। तो भाई सामने वाले देख सकते हैं जो कि प्रतिमा बना हुआ है बाबा रागा दास का
बीआईडी मेडिकल कॉलेज का कुछ कैंपस के नज़ारा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देख सकते हैं। और ऐसा कुछ है, अभी धूप बहुत ज़्यादा है गाइस, देख सकते हैं ऐसा कुछ नज़ारा बीआईडी मेडिकल कॉलेज का। तो इधर नो पार्किंग और इधर पार्क हुआ है गाड़ी और चौक पर ही है, और इधर वाले जो गेट है इस रास्ते से हम लोग आए हैं, बट वहाँ से भी आगे जाएंगे तो आगे से आपको लेफ्ट होना पड़ेगा, बट आप लोग गाड़ी देख सकते हैं। और आगे है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और ये है कैंपस जो आप सीधे आएंगे तो यहाँ पर बाबा राघवदास का जो है प्रतिमा देखने को मिल जाएगा। और फिर आगे हम निकलेंगे तो आप सीधे जाएगा, उसके बाद राइट साइड से आप होकर के टिकट भी कटा सकते हैं। उसके बाद वहाँ से टिकट कटाने के बाद आपको उस पर्ची पे नंबर दिया जाएगा कि आपको किस नंबर में जाना है, तो किस रूम में जब नंबर में जाना है, तो इसी हिसाब से आप लोग जा सकते हैं। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज का, बट मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग को कुछ इस वीडियो दिखाया जाए। तो अभी चलते हैं आगे का, और आगे का कुछ नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं, सुपर स्पेशलिटी का जो हॉस्पिटल है उसका नज़ारा बस दिखाते हैं। बट आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस हम चल रहे हैं अब सुपर स्पेशलिटी जो कोविड वाला है उसका कुछ नज़ारा आप लोग को दिखा दें। तो इधर देख सकते हैं आप बाइक से भी आ सकते हैं, बट हाँ नेहरू जो नेहरू जी का उनका जो प्रतिमा बना हुआ है बाबा राघवदास का, वहाँ तक उससे आगे भी आप जा सकते हैं बाइक से। और गाइस आप लोग देख सकते हैं सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है उसका खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारा आप लोग के सामने है, तो देख सकते हैं। और हरियाली काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही हरियाली है, हरियाली की भरपूर मात्रा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामने, और साफ सफाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये ब्लॉग जरूर पसंद आया, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और बीआईडी मेडिकल कॉलेज से अगर जो और भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम आगे चल के आप लोग को पूरा अच्छे से नज़ारा दिखाएंगे जो कि सुपर स्पेशलिटी है हॉस्पिटल उसका नज़ारा दिखाएंगे। और इधर देख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक ऑटो चल रही है, और ये सामने आप लोग का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि कोविड या कोविड 19 के लिए है। तो गाइस बहुत ही खूबसूरत है, जो कि हाल ही में बना है, बहुत दिन से मतलब बन चुका है और चालू भी है, जो कि कोविड 19 का जो समय था तो कभी चालू हुआ था, और इसमें जो कोविड वाले थे वो सब इसी में रखे जाते थे। तो ऐसा इस नज़ारा देख सकते हैं जो कि बीआईडी मेडिकल कॉलेज कैंपस का नज़ारा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग ब्लॉग पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहो और देखते रहिए। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज जो है उसका स्थापना 1969 में हुआ था, और जो कि इसके हॉस्पिटल का मान्यता विश्वविद्यालय से प्राप्त है। तो ये जो आप लोग पीछे देख रहे हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि कोविड 19 के लिए है। तो आशा करते हैं आप लोग को ब्लॉग पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये है वाला जो गेट है वो बंद है, वो गेट से अभी बंद है, उसमें काम हो रहा है जिसकी वजह से ये वाला गेट खुला हुआ है। तो फर्स्ट वाला गेट बंद है, बस ये सेकंड वाला गेट खुला है, तो इस गेट से आप लोग आइएगा। तो चलते अगर ये कुछ और हो सकता है तो आप लोग को निकालने की कोशिश करते हैं।